आज हम पढ़ने जा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, उसको पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या इसको पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए समझना पड़ती है। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि टाइम के साथ डिस्टेंस का चेंज होना, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। जो हम ग्राफ बनाते हैं तो एक तरफ एक्स लेते हैं, एक तरफ एस लेते हैं। एस को एस शो करते थे डिस्टेंस के, डिस्टेंस को एस से शो करते थे। यहां डिस्टेंस लेंगे, यहां टाइम लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गई। हम करेंगे क्या, फिर इस तरह इससे करेंगे, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आगे, ये जो डिस्टेंस है ये ऊपर लिखा है, ये डिस्टेंस है यानी ये मीटर में है, ये सेकंड के हिसाब से, ये मीटर, ये सेकंड के हिसाब से, ये मीटर के हिसाब से। अब उस हिसाब से हमने एक बंदे को दौड़ाना है, इधर मैदान देखते हैं। मैं कहता हूं एक बंदा है बिल्कुल भूखा हुआ, बिल्कुल भूखा हुआ, मतलब यहां पे जीरो पे है, फिर यहां पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 यहां पे बंदा है, हिल ही नहीं रहा, चल नहीं रहा, बैठा है बंदा, बड़ा सपना होता है मीटर में, ये मीटर में, ठीक है मीटर में, ये डिस्टेंस है, यहां टाइम हम अपने हिसाब से लेंगे, ठीक है। यहां पे बंदा बड़ा सपना होता है, भाई नजर क्या हो गया, ये बंदा है रुका हुआ है रेस्ट में, मतलब चेंज नहीं कर रहा, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा, टाइम तो ज्यादा है उसका, मतलब 0 सेकंड था यहां पे था, 0 सेकंड भी यहां पे था, 1 सेकंड भी यहां पे, 2 सेकंड भी यहां पे, 3 सेकंड भी यहां पे, मतलब हिल नहीं रहा है इसे। तो इसका ग्राफ में कैसे जाहिर करेंगे, ग्राफ ग्राफ को कैसे जाहिर करेंगे इसको, यानी कि ये 0 पे ही यहां पे था, जब वह 1 सेकंड था ये यहां पे ही है, रुका हुआ है, टाइम तो जा रहा है, टाइम जा रहा है तो टाइम को शो करेंगे, यहां पे टाइम जा रहा है तो टाइम को शो करेंगे, यानी टाइम फिर 1 सेकंड हुआ, ये सेकंड में है मेरे ग्राफ, ये सेकंड में ऊपर नहीं जा रहा, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। यहां पर ग्राफ में वैसे मैदान में डिस्टेंस को ऐसे लिया है, ग्राफ में डिस्टेंस को ऊपर लिया है, टाइम को नीचे लिया है, ये दोनों चीजें जा रही है। अच्छा ये आपके पास डिस्टेंस है, यहां डिस्टेंस ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, पॉइंट ऊपर नहीं लगाएंगे, यहां पे पॉइंट नहीं लगाएंगे, या यहां पे नहीं लगाएंगे, या यहां पे नहीं लगाएंगे, यहां पे लगाने का मतलब ये होगा कि इसने डिस्टेंस भी कवर किया। अगर यहां पे पॉइंट लगा तो इसका मतलब ये है कि इसने डिस्टेंस भी चेंज कवर किया है, या डिस्टेंस फासले भी इसने तय किया है, कुछ चला भी है, चला ही नहीं है वो तो रेस्ट में, तो उसको ग्राफ में कैसे जाहिर करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बात को, मैं कह रहा हूं कि अगर डिस्टेंस ये चल रहा है, यहां से रुका हुआ है, अगर ये चल रहा तो हम यहां पे भी पॉइंट लगा लेते, बीच में पॉइंट लगा, नहीं चलाएंगे, नहीं चला, मतलब टाइम ही जा रहा है, टाइम ही आगे जा रहा है, टाइम ही आगे जा रहा है, लेकिन वो रुका हुआ है। उस वक्त हम क्या करेंगे, जब ये रुका हुआ हो तो हम पॉइंट सिर्फ टाइम के साथ लगाएंगे, फिर देखो 1 सेकंड में भी ये यहां पे था, 2 सेकंड में भी यहां पे, 3 सेकंड में भी यहां पे, 4 सेकंड में भी यहां पे, तो मतलब एक लाइन बनेगी, इन सब लाइनों को मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाती है, तो वो लाइन जो होगी वो डिस्टेंस टाइम वो आपके पास शो करेगी, बॉडी का ग्राफ जब बॉडी रेस्ट में हो। ये किस तरह का ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहां से पता चलेगा, यहां अगर डिस्टेंस लिखा हुआ है, यहां टाइम लिखा हुआ है, तो आप बोल दोगे कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहां वेलोसिटी यहां टाइम लिखा हुआ, तो हम बोल देंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां डिस्टेंस लिखा हुआ है, यहां टाइम लिखा हुआ, तो इसलिए बोल दिया आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेकिन कैसा है, यहां देख के बताओ कि बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट है, आपको ये नहीं देंगे बंदा रेस्ट में, ये नहीं बताएगा कोई, पेपर में जब तक नहीं आएगा वो खुद आपने लाइन देख के बतानी है कि ये लाइन है, कि आपको क्या मालूम होता है कि बंदा रुका हुआ है या चल रहा है, तो यहां सिर्फ और सिर्फ टाइम ही बढ़ रहा है, टाइम ही आगे जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ को देख के बोल देंगे कि बंदा क्या है, रुका हुआ, रुका हुआ। इसी तरह मैं कह सकता हूं कि अगर कोई बंदा है अब नहीं रुका हुआ, नहीं अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी रेस को खत्म करेंगे, रेस को खत्म करेंगे, हम कहते हैं कि ये जो बंदा है ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ये कितना जा रहा है, 2 मीटर जा रहा है, 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 2 मीटर जा रहा है,
तो हम इसको पहले यहां जाहिर करेंगे फिर वहां जाहिर करेंगे, पहले यहां जाहिर करेंगे यहां शो करेंगे, मतलब एक सेकंड में इसका क्या मतलब है, एक सेकंड है दो मिनट, मतलब जब एक सेकंड था हुआ तो ये कहां पे आया था, यहां पे, मैं इसको जगह एक सिर्फ सर बनाऊंगा इसका, यहां पे आया जब एक सेकंड हुआ यहां पे, फिर अगले सेकंड में ये कहां पे जाएगा, तीन मीटर पे जाएगा, चार मीटर पे जाएगा, चार पे जाएगा, ये बात समझ नहीं की, चार पे जाएगा क्योंकि वो दो दो बढ़ेगा, दो 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 मीटर आगे बढ़ेगा क्योंकि वो दो दो मीटर बढ़ेगा, एक सेकंड में दो मीटर बढ़ा क्योंकि ये बता रही है, अगले सेकंड में भी फिर वो दो बढ़ेगा, मतलब दो के आगे दो जमा करोगे चार हो जाएगा, फिर आगे तीसरे सेकंड में, दो सेकंड में यहां पे आएगा, तीसरे सेकंड में कहां पे जाएगा, सिक्स पे जाएगा, तीसरे सेकंड में सिक्स पे जाएगा, ये बात समझ आएगी, चौथे सेकंड में कहां पे जाएगा, एट पे जाएगा, नहीं समझ आ रही यार, बिल्कुल समझ आएगा, चौथे सेकंड कहां, पांचवें सेकंड पे, दस पे, मतलब एक सेकंड में दो दो मीटर पर, अगर कोई विलास की किसी विलास की दो मीटर पर सेकंड है तो मतलब हर सेकंड में वो कितना कवर करने वाला है, दो मीटर चल रहा है, अब इसको हमने वहां पर शुरू कर दिया, जब डिस्टेंस दो मीटर था तो टाइम कितना था, एक सेकंड था, टाइम में एक सेकंड ऊपर जाएंगे इस तरह, डिस्टेंस में दो, ये दोनों कहां पर मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे, डिस्टेंस में चार जाएंगे, टाइम में दो जाएंगे, टाइम में दो, ये डिस्टेंस में चार, चार चार कहां पे मिलेगा, यहां पे, यहां पे, यहां से लाइन लगेगी, जब डिस्टेंस छह था नहीं टाइम तीन था तो डिस्टेंस छह, तीन ये छह कहां पे मिलेगा, छह कहां पे मिलेगा, यहां पे, फिर देखना ये जब एट फोर सेकेंड था ये एट पे, फोर ये फोर से जाएंगे, एट कहां मिलेगा, यहां पे, अभी सबको मिलाएंगे एक सीधी लाइन बनेगी, सीधी लाइन बनेगी, कैसी लाइन बनेगी, सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, जब भी स्ट्रेट लाइन बन जाए उस केस में बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी, इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन, हर सेकंड में दो दो मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा था, हर सेकंड में दो दो मीटर का कवर हो रहा था, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा था, अगर एक सेकंड में अगर एक सेकंड में दो मीटर हो, अगले सेकंड में पांच हो जाता, मतलब इसका मतलब है वेरिएबल यूनिफॉर्म अब थोड़ा चेंज करते हैं, कहीं चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं कहता हूं अभी आप लोग बताओगे, मैं कहता हूं स्पीड इसकी 1 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में कितना कवर करते हैं, कहानी इस तरह है कि एक वेलोसिटी जो स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकंड, अब ये क्या बता रही है, 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसको हम कैसे शो करेंगे, एक सेकंड में एक मीटर शो हो रहा है, अब देखना ये बनता है, ये चला है एक एक सेकंड होगा ये कहां पे आ गया, यहां पे आएगा, फिर दूसरा सेकंड होगा ये कहां पे आएगा, यहां पे, तीसरे सेकंड में यहां पे आएगा, चौथे सेकंड में यहां पे आएगा, अब इसको हमने यहां पे ग्राफ में प्लॉट कर दिया, जब टाइम एक सेकंड था तो तब ये बंदा कहां तक गया, यहां पे पॉइंट लगेगा, जब दो सेकंड हुआ फिर यहां पे, जब तीन सेकंड होगा फिर यहां पे, जब चार सेकंड हो गया यहां पे, इन सबको मिलाए तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये भी किसका ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, अब वेरिएबल स्पीड भी हो सकती है, जब ग्राफ की ये लाइन ये सीधी ना हो तो वो वेरिएबल स्पीड की ग्राफ, प्राणी को चेंज कर इस तरह करनी है कि वेरिएबल स्पीड रखनी है, वेरिएबल स्पीड होगी तो कैसे कैसे जान मान ले, जैसे एक बॉडी है जिसकी स्पीड इस तरह का ग्राफ है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा इस तरह ग्राफ आपको दिखेगा, ये मैं इनको बताता हूँ यूनिफॉर्म वाले, अगर मान ले आपको इस तरह का ग्राफ मिले, इस तरह टेढ़ा सा इस तरह का ग्राफ भी हो कभी, ये वेरिएबल का जब यूनिफॉर्म होगी तो लाइन सीधी होती है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, अगर स्ट्रेट ना हो ये ज्यादा इसकी तरफ होने या ज्यादा इसकी तरफ आए तो वो वेरिएबल होती है, तो ये होगा वेरिएबल स्पीड का ग्राफ, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ, एक चीज हमने सीखी है वेरिएबल स्पीड, अब देखा ये जब आपके पास लाइन स्ट्रेट बने वो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, अब हम इसको समाप्त करते हैं कंक्लूजन इसका आखिर में रिजल्ट निकालते हैं, जब बिल्कुल सीधी हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो और लाइन बिल्कुल सीधी हो तो वो किस चीज को शो करेगी, रेस्ट को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, लाइन बिल्कुल सीधी हो तो वो किस चीज को शो करेगी, रेस्ट को, बाकी में अलग होगा मैं बता रहा हूं, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो और लाइन बिल्कुल दरमियान से और सीधी जाए तो वो यूनिफॉर्म स्पीड को शो करेगी, इसका
सारा नतीजे निकाल रहे हैं ताकि आप देख के ही बता सको कि ये ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का है या वेरिएबल का। अगर सीधी लाइन हो ग्राफ किसका हो डिस्टेंस टाइम हो सीधी लाइन हो तब वो होगा रेस्ट को शो करेगा। जब आपके पास सीधी बिल्कुल स्ट्रेट हो सीधी हो दरमियान से मुड़ी ना उधर बिल्कुल दरमियान से ये यूनिफॉर्म का। और इसके अलावा लास्ट वाला अभी मैंने बताया था अगर इस तरह ऊपर मुड़ा हो या इधर से नीचे मुड़ा हो तो ये होगा वेरिएबल स्पीड का ग्राफ वेरिएबल स्पीड का ग्राफ वेरिएबल स्पीड का ग्राफ। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलती है स्पीड या वेलोसिटी मिलती है। तो यहां पे हम अपने लेक्चर को खत्म करते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सर गुड बाय अल्लाह हाफिज़।